हेलो फ्रेंड्स, संडे का दिन है और मैं यहाँ पे कवर लगा रही हूँ बुक्स में, क्योंकि कल से बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। तो और ये दिन का टाइम है खाना पीना बना के, तो मैं यहाँ पे ये कवर लगा रही थी और बच्चे भी पढ़ रहे थे। बच्चों को भी थोड़ा बहुत पढ़ने को दे दिया था मैंने, क्योंकि वैसे भी काफ़ी दिन की छुट्टी हो चुकी है। तो यहाँ पे कवर लगा रही थी मैं, मैंने कहा चलो थोड़ा शूट कर लेती हूँ जब मैं कवर ही लगा ही रही हूँ। तो आप लोग भी बताना, आप लोगों के बच्चों के बुक्स सेट आ गया है और कवर वगैरह लग गए हैं, एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तो शेयर करना मुझसे। बच्चों की बुक्स में कवर चढ़ गए हैं और सेट हो गए। अभी मैंने यहीं रख दिया, अभी अलग अलग सेक्शन कर दूंगी दोनों के। तो एक साल बाद बच्चों ने पहनी है ड्रेस, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होंगी ड्रेस में। कैसा लग रहा है आपको ड्रेस पहन के? अच्छा लग रहा है। एक साल बाद अच्छा लग रहा है? हाँ। क्लास अटेंड करोगे? करूंगा। क्या पढ़ोगे आज? एकेजी। कौन सी क्लास में गए, चलो ये बता दो। LKG नहीं गए आप, UKG। कौन सी क्लास में गए? UKG। नीचे करो, UKGC। हाँ, पढ़ोगे ना क्लास? अच्छा, तो आपने ड्रेस पहनी है, तो आप अभी क्या बोल रहे थे? ड्रेस पहनने का तो क्या बनता है, क्या बोल रहे थे आप अभी? हाँ, ड्रेस अच्छी लग रही। तो फिर आपने क्या बोला था? क्या फिर आपने कुछ और बोला था अभी? क्या? आपने बोला था क्या बनता है? क्या बनता है? लाइक। हाँ, पता है बोला था कि मैंने कहा आप ड्रेस पहन के कैसा लग रहा है, तो बोल रहे बहुत अच्छा लग रहा है। एक लाइक तो बनता है, अभी क्यों नहीं बोल रहे, बोलो कैमरे में। एक लाइक बनता है। बहुत अच्छा। और अभी इन महाराज की तो आई नहीं है ड्रेस, तो ये ऐसे ही करेंगे। तो कल से ये ड्रेस में अटेंड करेंगे, क्योंकि इनकी ना पिछले ही साल ड्रेस चेंज हो गई थी फर्स्ट, उससे ही तो लाए नहीं थे फर्स्ट, क्योंकि क्लास चली नहीं थी। तो देखो कितना प्यार हो रहा है दोनों भाइयों में। तो कल से इनकी इसकी ड्रेस भी, ये भी ड्रेस में अटेंड करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। और कल से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, बट लेकिन मतलब आगे कंटिन्यू नहीं किया। वो मैं दिन के टाइम पे मैं कल वो कर रही थी, बच्चों की बुक्स में कवर लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद बस ऐसे ही दिन निकल गया। और अभी आज है बच्चों के, आज डेट फाइव है आज। और आज से बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, तो ड्रेस पहन के इन्हें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों को एक ही टाइम दोनों का है, और इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मैं दोनों को मतलब अटेंड तो करा लूँगी, लैपटॉप है, फ़ोन भी दो हैं, बट ये है कि मैं तो एक के साथ बैठ सकती हूँ ना, दो के साथ तो मैं बैठ नहीं सकती। और बच्चों को पापा की छुट्टी होती तब तो बैठ सकते हैं ना। पहले तो इनका था इवनिंग में चलती थी और टाइम भी दोनों को अलग था, बट अब सेम टाइम हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और देखते हैं, और तो दोनों का देखते हैं कि मतलब अगर वैसे तो चेंज नहीं होगा, अगर एक का चेंज होता है टाइम तो दो स्लॉट में चलता है इनका ना, दो पीरियड चलते हैं, तो आधे बच्चों का एक 10 बजे से, आधे बच्चों का 11 बजे से। तो देखते हैं अगर चेंज हो पाया तो देखते हैं, क्योंकि मैं तो एक के साथ बैठूंगी, और दोनों ही अभी छोटे ना, दोनों के साथ बैठना ज़रूरी है, फिर ही इन्हें समझ में आता जो मैम समझाती है, क्वेश्चन आंसर पूछती हैं। तो आज तो ऐसे ही अटेंड करना पड़ेगा, और ड्रेस में इन्हें अटेंड करना है। और प्लस मतलब मंथ के सेकंड और फोर्थ थर्सडे को हमें कॉपियाँ सबमिट करनी है इनकी, और मंडे को लेने जाना, मतलब हर हफ्ते एक दिन, जैसे इस वो
ये सब थर्सडे को हमने जमा कर दी, तो अगले मंडे को लेने चाहिए। मतलब हर हफ्ते हमें स्कूल जाना है पेरेंट्स को, कॉपियाँ सबमिट करने और लेने, तो टेंशन भी है। और ये भी ठीक है कि कॉपियाँ जमा हो रही है तो बच्चे मतलब होमवर्क, मतलब पेरेंट्स भी और बच्चे भी होमवर्क में ध्यान देंगे। और जैसे मेरा तो सही, मैंने तो मतलब पिछले साल भी ठीक था काम, वो मतलब प्रॉपर कराया था, पर बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी ऐसे थे जिन्होंने कॉपियाँ बनाई ही नहीं थी। फिर बाद में जब मैम ने कहा था कॉपी सबमिट करने के लिए, तो उस समय स्टार्टिंग की थी काम की, या कुछ छूट गया था या कुछ था। अब ये है कि हर हफ्ते मतलब जमा करनी है, एक हफ्ता छोड़ के, तो फिर पेरेंट्स भी ध्यान देंगे। और खुलेंगे तो हैं स्कूल जुलाई अगस्त सितंबर, जब भी खुलेंगे खुलेंगे तो हैं, तो सही भी है कि पहले से ही काम सही रहेगा। बट टेंशन तो मुझे हो गई जिसका एक ही टाइम हो गया, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर मैंने कहा चलो आज, इसीलिए मैंने कल वो कवर लगा दिए थे, और शिक्षा जैसे शिक्षा आई थी तो इसीलिए मैंने पहले ही बुक्स वगैरह ले ली थी। जैसे हम आए थे अगले दिन मैंने बुक्स वगैरह ले ली थी, क्योंकि फिर मुझे था वो आएंगे तो फिर मतलब होता है ना कि कहाँ से ले आते एकदम से। और फिर कल थी तो फिर कल मैंने फिर कवर लगा दिया, और आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो अब क्लासेस स्टार्ट करवाती हूँ, बच्चों के अटेंड करवाती हूँ। शूट तो पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि फ़ोन तो दोनों बिजी रहेंगे। चलो देखती हूँ, अगर लैपटॉप हो बिज़ी रहा तो क्या पता थोड़ा अटेंड कर शूट कर लूँ। तो बाद में मिलती हूँ आप लोगों को शाम को। हो चुकी है बच्चों की क्लास ख़त्म, और अब मैं बना रही हूँ कढ़ी बना रही हूँ और चावल चढ़ाऊँगी, तो चावल कढ़ी खाएंगे आज। और बच्चे बोल रहे हैं भूख लगी है, भूख लगी है, मतलब अभी उन्हें भूख लग गई इतनी जल्दी, तो चावल चढ़ाती हूँ मैं। खाना पीना बन गया है, और थोड़ा सा बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए हैं, बस सब थोड़ा ना ब्रेकफास्ट के थे। और इसकी गर्दन ऐसी ही रहती है ये थोड़ा ढीली हो गई ना, और दोनों बच्चों की क्लास एक साथ ही, बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो मैंने मैम को फ़ोन किया, मैंने हन्नू की मैम को फ़ोन किया कि मैम इसको फर्स्ट बैच में ले लो आप, क्योंकि नहीं होता ना, दोनों छोटे हैं तो दोनों को साथ में, दोनों को मतलब क्लास अटेंड करनी तो मुझे साथ में रहना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने मैम को फ़ोन किया, तो मैम ने कहा ठीक है मैं करती हूँ। और तो कल से मैम फर्स्ट मतलब 10 बजे से हम लोग की क्लास स्टार्ट होगी, 11 बजे से बड़े वाली क्लास। फिर ये कि मैं दोनों की क्लास अटेंड कर पाऊँगी, और क्योंकि ये होता है ना बच्चे बाद में तो पढ़ते नहीं है, जो समय बच्चों को पढ़ा लिया बिल्कुल, अरब की तो ये आदत है कि वो लर्न कर देता है उसी टाइम पर,
तो फिर मेरे लिए भी ठीक रहेगा। और मेरी सीटी आ गई, अरे बंद करना बेटा। हाँ नहीं आप नहीं कर पाओगे, आपका हाथ नहीं जाएगा अन्नू, भैया को जाने दो। तो फिर सीटी भी आ गई है, तो ठंडा करके बच्चों को खाना खिलाती हूँ और थोड़ा रेस्ट करते हैं। और ये तो घर पे ही जाएंगे खाना खाने ससुराल में मेरे, क्योंकि वहाँ से नहा के फिर आते हैं तो बोलते कि लेट हो जाती, इसलिए वहीं पे खा लेते, फिर थोड़ा रेस्ट करके ही आते हैं शाम को। और अब तो पहले तो जल्दी आ जाते थे क्योंकि क्लास का था, क्लास होती थी बच्चों की, तो थोड़ा दिक्कत होती थी। तो अब तो ये है कि क्लास बच्चों की मॉर्निंग में, अब बहुत अच्छा टाइम है मॉर्निंग में, क्योंकि फिर शाम को फ्री हो जाते हैं हम लोग। नहीं तो हम पहले मतलब जो पिछले ईयर का था तो इनकी क्लास शाम को चलती थी, इवनिंग में बहुत वो परेशानी होती थी क्योंकि बच्चों को सुला नहीं सकते। अगर सो गया हन्नू की 4:30 से क्लास थी तो वो उठ नहीं पाता था। तो अब ये है कि मॉर्निंग में स्टार्ट होगी तो काफ़ी ठीक हो जाएगा मतलब सब चीज़। तो मिलती हूँ आपको लंच करके और मतलब दिन में रेस्ट करने के बाद। तो फ्रेंड हो चुकी है शाम और दिन में हम रेस्ट भी कर लिया है और बाहर पे है अभी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, बंद बंद सा मौसम है। अपने वहाँ तो हवा चलती थी पथरी में, ससुराल में मतलब बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों ने ना वहाँ थे जैसे हम अब इतने टाइम पे, तो आरव ने जिद करके साइकिल अपनी वहीं ले गई थी कि साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए, तो हम ले गए थे उसकी साइकिल। और अब हो रहे परेशान, अब बोल रहे मम्मा साइकिल साइकिल, अब हम वहाँ से तो नहीं लेके आएंगे यहाँ बार बार इधर उधर। तो बोल रहे मम्मा साइकिल कहाँ है मेरी, कहाँ है मैंने कहा भूल गए कि साइकिल लेके गए थे। अब देखो मस्ती मस्त रहते दोनों भाई आपस में, इन्हें ना जैसे मतलब बोलते हैं अड़ोसी पड़ोसी के खेलने नहीं आते ये वो, तो दोनों खेल लेते हैं आपस में ठीक ठाक। तुम तो नहीं भेजते, मैं थोड़ा डर भी लगता है बच्चों की चोट वगैरह ना लग जाए, तो यही खेलते हैं। देखो तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा शायद, और तो वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।